फ्रेंड्स, आज हम न्यूरोएंडोक्राइन ग्लैंड की सीरीज में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे। एड्रिनल ग्लैंड के हमने प्रीवियस दो वीडियोस अभी तक स्टडी किए हैं। इन दो वीडियोस में पार्ट वन के अंदर हमने कॉर्टेक्स, मेडुला, जनरल संरचना, जनरल स्ट्रक्चर, हार्मोन्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। और पार्ट टू में हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स की स्ट्रक्चर एवं उसके फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एड्रिनल ग्लैंड पार्ट थ्री। इस क्रम में अब हम एड्रिनल मेडुला की संरचना एवं कार्य इसके बारे में बात करेंगे। एड्रिनल मेडुला की संरचना, यह ग्रंथि का एड्रिनल ग्लैंड का सबसे आंतरिक भाग होता है। ये पूरी तरह से कॉर्टेक्स द्वारा ढका रहता है। इस से निकलने वाले हार्मोन्स को कैटेकोलामाइंस कहते हैं। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसके बारे में हमने जो पढ़ा उसमें उसी क्रम के अंदर ये एड्रिनल मेडुला जो है, ये मध्यांश भाग में बड़े स्ट्रक्चर की अंडाकार या कॉलुमनर सेल के पिंडकों द्वारा निर्मित होता है। और ये जो पिंड या लोब्यूल्स होते हैं, इनको ब्लड वेसल्स घेरे रहती है। और इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तंत्रिकाओं से भेजित रहता है। और ये ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, जिससे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, जिन्हें हम कलेक्टिवली कैटेकोलामाइंस के नाम से भी जानते हैं। अभी हम आगे की बात करें तो नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो एपिनेफ्रिन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑलमोस्ट ये 20 गुना अधिक प्रभावी होता है। एपिनेफ्रिन जो है नॉरएपिनेफ्रिन से 20 गुना अधिक प्रभावित होता है। इन दोनों हार्मोन की मात्रा एक बार से स्रवित जंतु की जाति एवं फिजियोलॉजी की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी होती रहती है। मनुष्य में स्रवित नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो 75% भाग बनाता है और एपिनेफ्रिन जो है वो 25% भाग जो है मनुष्य से स्रवित होता है। नॉरएपिनेफ्रिन व एपिनेफ्रिन हार्मोन बॉडी के में अन्य अंगों एवं टिश्यू द्वारा भी स्रवित होते हैं। हाइपोथैलेमस की विशेष न्यूक्लियस भी इनका स्रवण करती है। और यदि हम इसको देखें कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है, ये और एपिनेफ्रिन, इन दोनों हार्मोन्स में को न्यूरो ह्यूमर भी कहा जाता है। ये अलग अलग भागों से भी सिक्रीट होती है। यदि हम इसको नॉरएपिनेफ्रिन जो है, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन से जो कार्य शरीर में रिएक्शंस होती हैं, जैसे श्लेष्मा का स्रवण कम होना, पाचक द्रव्यों का स्रवण कम होना, हृदय गति का तीव्र होना, श्वास नली का फैल जाना, लार का गाढ़ा व चिपचिपा हो जाना, रक्त ब्लड वेसल्स का संकुचन हो जाना, पसीना बढ़ जाना आदि, ये हार्मोन किसी उद्दीपन से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। इसे हम आगे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। इस तरह हम देखें डायग्राम में, ये जो कैप्सूल सबसे आउटर मोस्ट येलो कलर में दिख रहा है वो कैप्सूल है, फिर उससे इनर मोस्ट कॉर्टेक्स है, और इससे सबसे इनर मोस्ट में मेडुला है। कॉर्टेक्स के हार्मोन हमने पार्ट टू में पढ़े थे
और अब हम मेडुला के एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पार्ट को देखते हैं। अब हम एड्रेनल और एपिनेफ्रिन के कार्य देखते हैं। एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन के कार्य जो हैं, वो कलेक्टिवली नॉरएपिनेफ्रिन के भी समान ही होते हैं। हृदय की जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, उनको ये विस्तारित करता है, हृदय की धड़कन की दर एवं शक्ति को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, और इस तरह हम कह सकते हैं कि एपिनेफ्रिन के प्रभाव से आर्टरियोज का कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो जाती है, जिससे हार्ट रेट, पल्स रेट और कार्डियक आउटपुट में वृद्धि हो जाती है। और यदि हम देखें स्केलेटल मसल्स के ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरियोज को भी कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे थकान की दर को कम करता है। श्वास रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को भी विस्फारित करना वे श्वास गति को बढ़ाता है। पाचन संस्थान की स्मूथ मसल के संकुचन को रोककर शिथिलता उत्पन्न करता है। मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। लीवर और मसल में स्थित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा देता है। पेशियों में लैक्टिक एसिड का स्तर बढ़ता है। नॉरएड्रेनालिन, इस तरह से ये जो सारे कार्य हैं, ये मोस्टली एपिनेफ्रिन के द्वारा संपन्न होते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन के जो कार्य होते हैं, इसमें पेरिफेरल ब्लड सप्लाई के को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड को फ्री करता है। अब हम इस तरह से इसके और भी यदि हम देखें नॉरएड्रेनालिन के कार्य, तो ये मुख्यतः जो है फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर विशेष प्रभाव करता है। अब हम इसके मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं, इस हार्मोन की आणविक संरचना पे जाते हैं, तो एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन, जिन्हें हम कैटाकोलामींस भी कहते हैं, इसकी संरचना जो है डेरिवेटिव जो प्राप्त किया था वो साइंटिस्ट एक्सल लॉर्ड 1962 में उसने इसको संश्लेषित किया था टायरोसिन अमीनो एसिड से। नॉरएड्रेनालिन में नाइट्रोजन पर मिथाइल समूह अनुपस्थित होता है। दोनों ही हार्मोन में असममित कार्बन का परमाणु पाया जाता है। दोनों हार्मोन अपने रासायनिक गुणों से अत्यधिक समानता रखते हैं, जो डी आइसोमर्स के प्राकृतिक रूप में प्राप्त होता है। डी जो एड्रेनालिन संश्लेषित होता है और एल आइसोमर जो होता है नॉरएड्रेनालिन संश्लेषित होता है। इस तरह से अब हम इसको यदि इफेक्ट देखें एक डायग्राम के अंदर, तो उसमें नॉरएड्रेनालिन और एड्रेनालिन के इफेक्ट दिखाए गए हैं। जो नॉरएड्रेनालिन है, जो इंक्रीज प्यूपल साइज इस डायग्राम में दिख रहा है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस मोर स्वेट, ब्रोंकियल ट्यूब्स इन द लंग्स डायलेट फ्रॉम ग्रेटर ऑक्सीजन इनटेक, हार्ट रेट इंक्रीज, एड्रेनल मेडुला रिलीजेस एड्रेनालिन, ग्लाइकोजन इन द लीवर इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और एड्रेनालिन है बूस्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड मसल, सप्रेस द डाइजेशन। अब हम इसके बाद में एक इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। आपात अवस्थाओं के दौरान ये हार्मोन आवश्यक मात्रा में स्रवित होकर पेशियों में, यकृत में, मस्तिष्क आदि को अधिक सक्रिय बनाकर परिस्थितियों से मुकाबला करने हेतु अधिक ऊर्जा उपलब्ध कराता है।
इन क्रियाओं हेतु रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा एवं रक्त दाब को उचित बनाना भी सम्मिलित होता है। बॉडी के वो जो अंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नियंत्रण में नहीं होते हैं, उन्हें इन हार्मोन के द्वारा परिस्थिति के अनुसार क्रियाशील बनाने का दायित्व इन हार्मोन्स का होता है। नॉरएपिनेफ्रिन रक्त संवहन प्रभाव एवं एपिनेफ्रिन उपापचीय क्षेत्रों का संचालन करता है और डू और डाई या फाइट और फ्लाइट जैसी परिस्थितियों से निपटने हेतु तैयार करता है। इसलिए डब्ल्यू बी कैनन के अनुसार एपिनेफ्रिन ही इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है। जंतु के आसपास समय या संघर्ष की अवस्थाओं में, जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, त्वचा का पीला पड़ना, बालों का खड़ा होना, रेस्पिरेशन का तेज होना, हार्ट बीट बढ़ना, आंखों का क्रोध के कारण लाल होना, चेहरे का रंग बदलना या आक्रामक होना, या रक्षा हेतु पेशियों का अत्यधिक शक्तिशाली हो जाना, ये सभी इसी हार्मोन के प्रभाव के कारण होते हैं। इसीलिए इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।